बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. मेरी फिल्म का नाम है जयजयकार. एक मराठी फिल्म मेरे प्रोडक्शन में बनाई है मैंने और राहुल जी ने, फेथिंग कॉर्पोरेट. तो इसमें हमने भोजपुरी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, इंटरनेशनल, तो ये सारी फिल्म हम बना रहे हैं. तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं ताकि लोग देख सके और उनके पैसे वसूल हो और उनको एक एक समाज में एक अच्छा मैसेज मिले. जयजयकार की बात करें तो किस तरह की मूवी होगी और किस तरह का मैसेज मिलेगा? जयजयकार की बात करें तो एक ये एक ऐसी फिल्म है, किन्नरों पे फिल्म है कि जब किन्नर उनके घर में पैदा होता है तो लोग अलग समाज में एक अलग नज़र से देखते हैं. तो उनकी जो बिरादरी वाले होते हैं वो उनको लेकर जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उनको समाज में, सोसाइटी में एक अलग नज़र से देखा जाता है क्योंकि उनके हाव भाव, चाल चलन एक अलग टाइप का होता है, मोर ऑफ गलीश होता है. तो जैसे मैंने इतने शोज़ की, इतने शोज़ में भी ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं कि उनको पीटा जाता है. लिटरली उनके माँ बाप उनको इतना पीटते हैं, वो उनको कहते हैं पैंट पहनो, शर्ट पहनो, लड़के की तरह बिहेव करो, बाल काट देते हैं, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी जीने नहीं मिलती है. तो फिर उनको उनकी बिरादरी के लोग लेकर चले जाते हैं, फिर वो उनसे, फिर उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है तो कोई भीख मांगता है, कोई चोरी करता है, कोई नाच गाने करता है. किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो नाच गाने करता है. तो इसी फिल्म को लेकर, इसी इशू को लेकर हमने एक जो ये जो जयजयकार फिल्म बनाई है, दिलीप जी जो मेन किरदार जो निभा रहे हैं इसमें, दिलीप जी बहुत ही अलग टाइप का कैरेक्टर है, थोड़े सनकी टाइप के. वो रोज़ मतलब ऐसे के करते हैं कि उनकी वाइफ के गुजरने के बाद वो एक रोज़ ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि पड़ोसी लोग इतने परेशान हो जाते हैं. रोज़ अपने, कभी कभी अपने आप को मार देते हैं, लोगों को लगता है मर गए लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मरे नहीं. उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है सुहिता जी, जो वो जानती है कि ये मरा नहीं है, ये जिंदा है. तो ये दिलीप जी इनको कैसे एक नया रास्ता दिखाते हैं, इनको इनको कैसे कहते हैं कि भाई तुम लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए, तो सो व्हाट के आपके शरीर में कोई पार्ट प्रॉब्लम है, तो सो व्हाट, सो व्हाट के आप ऐसे पैदा हुए, तो सो व्हाट, बट आप लोग भीख मत मांगो, चोरी मत करो. आप लोग भी जिसमें आपको दिलचस्पी है आप भी अच्छा काम कर सकते हो. कोई फैशन डिज़ाइनर, कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई यू नो सिनेमा फोटोग्राफर, कोई फिल्म बनाता है, तो सब में इनका जिन जिन चीज़ों में इनकी जो खासियत है तो उनको 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 वो सिखाते हैं कैसे काम करना, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनको इनको गांव में भीख मांगने से रोकना, इनको गुंडों से पिटवाना ताकि ये दोबारा भीख ना मांगे, जो वैसे काम करते हैं इनको इनको रोकना. ओ माई गॉड, आई टेल यू, मराठी समाज में, मराठी हिंदुस्तान के समाज में, सोसाइटी के लिए एक ऐसा मैसेज है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये एक ऐसी फिल्म है तभी हमारी फिल्म को 12 अवार्ड मिले हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया है फेस्टिवल में. जी बिल्कुल, हमारी एक बंगाली फिल्म भी आ रही है राहुल जी, वो हिंदी भी आ रही है, हम आपको बताएंगे क्योंकि सारी चीज़ें आज बताएंगे तो कैसे चलेगा. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मराठी फिल्म राइट नाउ एंड बिफोर दैट वी हैव रिलीज्ड भोजपुरी ऑल्सो, कट्टा तनल दुपट्टा पर, जो सुपर सुपर डुपर हिट हो गई है पटना बिहार में. पटना बिहार में रवि किशन और पवन सिंह को लेकर हमने बनाई थी, तो दैट वॉज बहुत ही अच्छा हमने बिजनेस किया है. राखी जी, आपके प्रोडक्शन में जो है काफी फिल्में बन रही है, तो कोई फिल्मों में आप एक्टिंग करते हो या फिर आइटम नंबर करते हो? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो मैंने अपने प्रोडक्शन में मैंने सोचा नहीं है. मैं मलाइका अरोरा खान नहीं हूँ कि अपने प्रोडक्शन में नाचने लग जाऊँ, ऐसा नहीं है. मैं बिल्कुल अपने प्रोडक्शन में बहुत ही सीरियसली हम अच्छे सब्जेक्ट सोच रहे, एक ऐसे सब्जेक्ट, ऐसा सोशल वर्क जो मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ. और आप मेरी हर फिल्म में
देखेंगे कि एंटरटेनिंग फिल्में होगी, मसाला फिल्म होगी, लेकिन एक मैसेज होगा समाज के लिए, क्योंकि मैं समाज में काम करना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा ये सही वे है समाज में फिल्में अच्छी बनाकर सोशल वर्क करना, तो ये मेरा सोशल वर्क है। राखी जी, आजकल जो नाच गाने होते हैं फिल्म में, do you think आपके लेवल पर जाने लगे हैं आजकल के जो नंबर्स आइटम नंबर्स? नहीं देखिए, मैं किसी को कोई ऐसे सॉन्ग्स सब कुछ करना चाहता है तो उनको कोई रोक टोक तो है नहीं, लेकिन मेरे बैनर में अच्छी फिल्में बनेगी, मैसेज की फिल्में बनेगी, जो लोग फैमिली, हस्बैंड वाइफ, माँ बेटा, ससुर बहू, ये सब बैठ के ये फिल्म देख सकते हैं। मेरे बैनर में ऐसी ही फिल्में बनेगी, साफ सुथरी और अच्छी फिल्में। राखी जी, पॉलिटिक्स पे कभी कोई फिल्म बनाना चाहेंगे वो हम सोचेंगे, और राहुल जी जैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब है, पहले तो राहुल जी सब्जेक्ट पास करते हैं, इनको टच होना चाहिए, इनको टच हुआ मतलब हमें भी टच हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं बीजेपी में जा रही हूँ, जाऊंगी और बीजेपी से ही मैं उनमें रहकर ही मैं जनता की सेवा करूंगी, मैं आपको बताऊंगी आगे आगे होता है क्या। राहुल कपूर, चंद्रशेखर जी नंदावले, फिल्म से निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक असणारे शंतनु गणेश रोडे यांना मी विनंती करते की आपण दिलीप प्रभावेकरांसमवेत मंचावर यावं। त्याचबरोबर चित्रपटातील मुख्य भूमिका साकारित असलेल्या सुनीता थत्ते, चित्रपटातून पदार्पण करत असलेले अतिशय आगळ्या वेगळ्या भूमिकेत ज्यांना आपण या ठिकाणी उपस्थित आहेत, मी काहींचा नामोल्लेख इथे आवर्जून करेन। आमच्या गायिका, आता आपण त्या गाण्याची झलक ऐकली, सोनाली पटेल, पार्श्वसंगीताची बाजू ज्यांनी सांभाळली आहे सुस्मित लिमय, त्याचबरोबर गीत संगीताची बाजू अभिजित जोशी, चित्रपटाचे एडिटर संकलक अनिलजी थोरात, हे आमचे सर्व टीम मेंबर्स सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत। असलेले खूप वेगळ्या विषयांना खूप वेगळ्या दृष्टिकोनातून हात घालणारे आणि याही चित्रपटात लेखक म्हणून आणि त्याचबरोबर दिग्दर्शक, फिल्म बनी, अच्छी फिल्म है, दिलीप
सोशल विषयावर जेव्हा सिनेमा बनतो तेव्हा तो असा एक सिरियस किंवा वेगळ्या प्रकारचा असतो, पण आम्ही त्याच्यामध्ये एक कमर्शियल ट्रेन आणि लोकांना आवडेल अशा पद्धतीने तो विषय मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता तुमच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत तो पोहोचावा यासाठी तिथे मुद्दाम तुम्हाला भेटायला आलेलो. धन्यवाद. आणि यानंतर अर्थातच मला दिलीपजींकडे बघायला आवडेल. नमस्कार आप सभी लोगों को, आप सभी यहाँ पे आए. मुंडे जी नीचे. आज फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैंने अपना बहुत सारा वक्त फिल्म इंडस्ट्री में दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज मैं बहुत लोगों की शुक्रगुजार हूँ मैं यहाँ पे, और अपने दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. सबसे पहले मैं राहुल जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. मुंडे जी नीचे थोड़ा. राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू. आपने सोचा कि हम एक फिल्म बनाए, मैंने भी सोचा एक फिल्म बनानी है, क्योंकि मैं बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ. तो पहले स्टार्टिंग में सोचा कि प्रोडक्शन स्टार्ट करें, फेथ थिंग मैं और राहुल हम पार्टनर हैं. तो पहले हिंदी फिल्म के लिए स्टार्ट किया सोचा, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं एक महाराष्ट्रीय लड़की हूँ, महाराष्ट्र की लड़की हूँ, तो क्यों ना हमारी बैनर से सबसे पहले एक मराठी फिल्म बनाई जाए. तो मेरी मुलाकात, हमारी मुलाकात शांतनु जी से हुई. शांतनु जी ने हमको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सुनाया, बहुत बहुत अच्छा लगा. जब दिलीप जी के बारे में, सुहिता जी के बारे में, ग्रेट एक्टर, मराठी के लेजेंड मैं कहूंगी, कि इनकी प्रेजेंट स्क्रीन पे आने के बाद लोग एकदम खामोश हो जाते हैं. और जब दिलीप जी और जितने भी यहाँ पे एक्टर हैं हमारे, संजय जी, भूषण जी, संजय कुलकर्णी, भूषण बोरगांवकर, धवल पोखले, आकाश शिंदे, इनके एक सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया. और मैं बताना चाहती हूँ कि जब मुझे पहली बार, हमेशा लोग सोचेंगे अरे राखी सावंत ने प्रोडक्शन शुरू किया, राखी जी राहुल ने, तो एक ऐसी मसाले वाली फिल्म होगी. लेकिन मैं आपको बता दूं उससे भी ज्यादा मसाला क्या, उससे भी ज्यादा एक ऐसा टच, एक ऐसा सोशल और एक ऐसा मैसेज इस फिल्म में है कि मैं अगर अभी इस फिल्म के बारे में, इस स्टोरी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. क्योंकि संतोष जी ने डायरेक्टर है हमारे फिल्म के, जब उन्होंने स्टोरी बताई तो मैंने कहा कि नहीं यही फिल्म बननी चाहिए, किन्नरों की स्टोरी है ये. जब स्टोरी बताई तो हमने कभी नहीं सोचा कि अरे हाँ हमारे देश के लोग इनको तो भूल ही गए, इनके साथ कैसे व्यवहार होता है, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता. सरकार इनसे टैक्स तो वसूल कर लेती है, सरकार इनसे सारे वो जो सरकार की गवर्नमेंट में उनके खाते में सब कुछ जो पैसे के हिसाब से सारी चीजें वसूल तो कर लेती, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता. फिर राहुल जी, मैंने, शांतनु जी ने, दिलीप जी ने, हम लोग सबने ये सोचा कि यस इस पे एक फिल्म बननी चाहिए. क्योंकि मेरी जिंदगी में जब से मैं बॉलीवुड में आई हूँ, मेरा बहुत ही यू नो ऐसे समाज से, किन्नरों से बहुत ही मेरा नाता रहा है, पाला पड़ा है, एज अ हेयर ड्रेसर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ फ्रेंड, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, यू नो हर फील्ड में ये लोग हैं. इन्होंने अपने आप को कैसे चेंज किया, ये आज जब ये फिल्म देखेंगे आप तब आपको पता चलेगा कि हमने कभी भी इस फिल्म, इन लोगों के बारे में सोचा नहीं. गवर्नमेंट ने तो हालांकि सोचा ही नहीं है इनके बारे में, गवर्नमेंट तो सिर्फ पैसे कैसे वसूल करने इनसे या किसी से भी, टैक्स कैसे लेना बस यही जानती है. लेकिन इनका भी घर बसना चाहिए, इनके लिए भी सोचना चाहिए. तो ये पूरी फिल्म दर्शाती है, ये पूरी फिल्म की स्टोरी दर्शाती है किन्नरों के बारे में. शांतनु जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये सब्जेक्ट, आपने ये सोचा इनके लिए. और दिलीप जी को कास्ट किया, सुनीता जी को कास्ट किया, और दिलीप जी ने इतना 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 अच्छा इसमें रोल निभाया है. दिलीप जी मैं बहुत दिल से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ
इतना अच्छा कि आप यकीन मानिए मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी। ऐसा नहीं कि हमारे बैनर में फिल्म बनी है, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी है। मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी, आप फिल्म देखिए, आपके भी रोंगटे खड़े नहीं होंगे, तो आप मुझे बोलिए। ये ऐसी स्टोरी है, सिर्फ किन्नर पैदा होते हैं भीख मांगने के लिए नहीं। बहुत दुख होता है जब एक एक घर में ऐसा लोग पैदा होते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है, इनका एक इनकी एक संस्था रहती है जो उनको उठाकर लेकर जाती है। बहुत दुख होता है, वो भी इंसान है। सो व्हाट अगर हमारे इंसान, मैं भी तो एक इंसान के एक हाथ नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं, एक आंख नहीं तो क्या वो इंसान नहीं है, बॉडी में एक पार्ट नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है। उसे भी जीने का अधिकार है, ईश्वर ने उसे भी पैदा किया। तो हम इंसान कौन होते हैं उसे एक अलग दृष्टि से देखने वाले, संसार से भगाने वाले या उनको मजबूर करने वाले कि यू आर नो वन इन दिस वर्ल्ड, यू नो यू आर नो वन इन दिस लाइफ, इस दुनिया में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो कहां जाएंगे। तो उसके ऊपर हमने ये फिल्म बनाई है। मुझे बहुत गर्व होता है आज कि राखी सावंत ने कहां से कहां शुरुआत की और आज हमारे फेटिंग राहुल जी और हमने मिलकर, सबने मिलकर ये फिल्म बनाई, मराठी फिल्म, फर्स्ट फिल्म। और एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा सोशल वर्क, आप सब जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है, राजकारण में पाए के उलाए मजा। तो ये मेरा एक मैसेज है सरकार को, मेरा एक मैसेज है हिंदुस्तान को, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, प्लीज ये फिल्म देखिए, प्लीज इस फिल्म को देखिए और ये फिल्म आपको बहुत टच करेगी। कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं क्यों ना हम उस गलती को सुधार ले। जिस तरह दिलीप जी ने इन सब का जीवन बदल दिया, भीख मांगते हुए, भीख मांगते थे ये लोग, ट्रेन में जाते हैं, क्या 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 अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं, चोरी करते हैं। दिलीप जी ने अपनी खुशियां छोड़कर वो जो कैरेक्टर निभाया है, इनको इनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वो रास्ता दिखाया है। बहुत मुश्किल होता है समाज में ऐसा कदम उठाना, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बहुत शुक्रगुजार हूँ राहुल जी की, शांतनु जी की, वो मैं इस फिल्म का एक पार्ट हूँ। और बहुत खुश नसीबी है कि इस फिल्म को 12 अवार्ड मिले हैं बिफोर रिलीजिंग फेस्टिवल में। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, हम सबको आपका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, क्योंकि पहली बार हमारी प्रोडक्शन से ये मराठी फिल्म रिलीज हुई है। आई एम श्योर 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 कि हिंदुस्तान के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों, क्योंकि मराठी फिल्म है तो महाराष्ट्र के लोगों को, और इसमें सब 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 टाइटल्स आने वाले हैं नीचे, हाँ, तो डेफिनेटली सब लोग देखेंगे तो लोगों के लिए एक अलग ही मैसेज होगा। आज तक ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म नहीं बनी है। माफ करना दोस्तों, आप सोचोगे कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रुक नहीं रही हूँ इस फिल्म के बारे में बात करते करते, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे जगाया है। इस फिल्म ने मुझे मेरे जो रोंगटे खड़े किए हैं, इसलिए मैं लोगों को मीडिया के द्वारा, मेरे यहाँ पे लोग आए हैं, मेरे दोस्तों के द्वारा पहुंचाना चाहती हूँ मैसेज, वॉच दिस फिल्म, और क्यों ना हम सब मिलकर एक नेक काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा, एक व्यूअर के तौर पर भी इस फिल्म ने आपको जगाया है और एक प्रोड्यूसर के तौर पर तो आप एक जिम्मेदारी निभा रही है इस फिल्म के प्रति, मुझे उम्मीद है कि आज सबके मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा इस वक्त इस फिल्म को देखकर, तो आप जरूर उस चिंता को महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले फिल्म के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहें तो, इससे पहले कि हम इंटरेक्शन शुरू करें, मैं राहुल जी से कहना चाहूंगी, राहुल जी इस फिल्म के साथ राखी जी जुड़ गए हैं, उसका कारण भी आप हैं और इस फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया है, तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट सारे लोग के लिए थैंक यू वेरी मच जो यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे भाई लोग। ये जब शांतनु जी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी, फिर मैंने राखी से डिस्कस किया इस बारे में, क्योंकि हम लोग फिल्म करना चाह रहे थे दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस में, हम काफ़ी फिल्में कर रहे हैं इस वक्त डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के,
और हमारी कंपनी जो है उस चीज को ज्यादा सपोर्ट करती है जिसमें कंटेंट बेस हो, अच्छा कंटेंट हो। हमको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा, इसमें सब्जेक्ट बहुत अच्छा था और जो इसका एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छे से किया। और दिलीप जी और जितने भी कलाकार हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ ये फिल्म उनके लिए ही बनी है। और ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो आप सबको हर वक्त एक नया नया सरप्राइज हम देंगे। बहुत ही लैंग्वेज में हम लोग फिल्म बना रहे हैं। और बात ये है कि हम लोग चूंकि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये फिल्म हमको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। जो है जितने भी महाराष्ट्र में है थिएटर्स वगैरह हमने खुद ये किया हुआ है और ये फिल्म हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जितनी भी हिंदी फिल्म है और भी अगर इस टाइप की फिल्में हैं तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे मैसेज लोगों को पहुँचाना कि हम उसके लिए तैयार है रिलीज करने के लिए, चाहे कैसे भी अगर सब्जेक्ट अच्छी हो। थैंक यू, धन्यवाद। नक्कीच एक खूप चांगली गोष्ट त्यांनी आपल्याबरोबर शेअर केलेली आहे आणि मराठी सिनेमाचे तसेही दिवस खूप छान आहेत, चांगले चांगले उत्तम उत्तम मराठी सिनेमा येत आहेत, परंतु ते पोहोचवणं ही खूप महत्वाची जबाबदारी आणि आज बॉलिवूडचा अनुभव असलेली मंडळी जर रिजनल सिनेमाकडे वळली तर नक्कीच त्यांनी रिजनल सिनेमाला उभारी येईल। आपल्या मनातले काही प्रश्न असतील वी कॅन स्टार्ट इंटरॅक्शन नाउ। वो तो हमारे डायरेक्टर साथ बताएंगे क्योंकि जयजयकार में एक मैसेज है। वन सेकंड, देखो एक आदमी जब जीता है तो उसके कई प्रकार के लिमिटेशंस होते हैं, सोशल हो गए, इकोनॉमिकल हो गए, फिजिकल हो गए। वो एक तो इसका बतंगड़ बना के वही तो रहेगा कि यार मेरे लिमिटेशन से या फिर इसे ओवरकम करके लाइफ में कुछ अचीव करके दिखाएगा। वो जब लाइफ में कुछ अचीव करता है ना तो वो उसके जीने का, उसके जिंदगी का जयजयकार है वो फीलिंग। जयजयकार एक केवल से वर्ड या फिर सेंटेंस नहीं है, इट्स इमोशन, ये एक भावना है। तो इसलिए वो टाइटल इस फिल्म के लिए रखा गया था, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। विरार जाना मराठी चित्रपट में अभी आजकल बहुत ही इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है और बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमने बिल्कुल, मैं महाराष्ट्रीय मूल की हूँ तो शुरुआत ही मराठी फिल्म से करी है और फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इमोशनल, एक जयजयकार जैसे हमारे भाई ने कहा कि जयजयकार क्यों, एक न्यू बिगनिंग। जब हम कुछ नया काम करने जाते हैं, किसी की जिंदगी संवारने जाते हैं तो एक जयजयकार होता है कि चलो यू नो। तो इसलिए डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि मैं मराठी फिल्मों से जुड़ी और सिर्फ मराठी नहीं और भी लैंग्वेज में हम फिल्म बना रहे हैं। जी जी, I come from Kerala and 3 days ago I ended up meeting in our department. She did tell me about most of his texts on killing as far as when a child is, you pointed out that issue that when a transgender is born, I mean the child is being killed, and that's happening more in an educated state like Kerala. And I hear from Kerala, I know the heart. That's the story. She just told me 3 days ago. My only question is to understand whether she could be made a part of your promotion, because she would not. Good amount of work when it comes to transgender related issues. She was fighting for elections, and during elections, she was fighting for the third option of male, female, and transgender. I don't know whether that was being successful or not. My issue here is, I would like you to tell me whether you, with this film in the next 30 to 60 days, this film will be seen by most of the people in Maharashtra and other parts of the country. Would you be associated to this sort of a transgender related issues to fight, and now you are already into politics, you know a lot about the constitution, you have read, heard, and been speaking about it. So how are you going to go ahead? Shall I answer the first question? Lakshmi Narayan Tripathi, you were saying about, he was gracious enough to guide our writer director. He met her, whatever. So she guided him. She showed him the way. She discussed many things. She has seen the film. She has liked him. Yeah. What about your further association with this issue?
मैं हमेशा हर मुद्दे उठाती हूँ, इस मुद्दे ने मुझे टच किया है, इसीलिए इस फिल्म को बनाया है और इसके लिए मैं हमेशा लड़ूंगी, डेफिनेटली इस। राखी जी, देखा जाता है कि जो फिल्में एक्चुअली फेस्टिवल में जो स्वीकारी जाती है कमर्शियल वे में, वो मुद्दे से मतलब कमर्शियल वे नॉट वेरी सक्सेसफुल, नॉर्मली वी सी इट अप्रिशिएटेड बाय द क्रिटिक्स, हाउ यू सी द कमर्शियल साइड आल्सो बीइंग अ प्रोड्यूसर? देखिए ये फिल्म टोटली कमर्शियल है, मैंने कहा मैसेज है और जब तक आप फिल्म को देखेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा। आप फिल्म को देखिए, लोगों को बहुत पसंद आएगी। आजकल की जो जनता है, जो ऑडियंस है, वो कुछ अलग चाहती है, कोई चेंज चाहती है, सिर्फ दे जस्ट डोंट वांट मसाला मसाला। इसमें मसाला है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का मसाला है। ये तो आपको देखना है कि आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मसाला पसंद है, यू नो कोई इसलिए बट मैं यही कहना चाहती हूँ नॉर्मल से नॉर्मल इंसान जो फिल्म देखना चाहता है, जिन्हें शौक है फिल्म का, जिन्हें सोशल वर्क का शौक है, जो अच्छे सब्जेक्ट देखना चाहता है, चित्रपट फिल्म क्या होती है, अच्छी स्टोरी, वो इस फिल्म को जरूर देखेंगे। जो टाइम पास वाले लोग हैं वो भी देखेंगे और बाहर आकर एक अच्छा काम करेंगे, ये मेरा वादा है, इसीलिए इस फिल्म को हमने बनाया है। अभिषेक, कुछ आइटम सॉन्ग है? राखी, आता एक नवीन वेव येत आहे मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, कारण रितेश देशमुख टेकओव्हर केला होता बालक पालक तेव्हा रेडी होता, नंतर आता तुम्ही असेल केला, मी बघितलंय फिल्म जयजयकार, अगदी उत्तम उत्कृष्ट फिल्म आहे। धन्यवाद। व्हॉट एक्झॅक्टली प्रॉम्प्टेड यू, ॲट व्हॉट स्टेज ऑफ द फिल्म डिड यू स्टेप इन ॲज अ प्रोड्युसर? ये जो राखी है, ये बच्चा है, ये आप सबके सामने बड़ी हुई है, आप जानते हो, और इसमें आप सबका बहुत सपोर्ट रहा है। आपके बगैर, आप सबके बगैर आई एम नो वन नथिंग। तो जैसे ग्रो करता है, एक पेड़ होता है, पेड़ में बीज होता है, पेड़ बड़ा होता है, उसमें फल आते हैं, तो जो फल आया है वो ये है कि मैं प्रोड्यूसर बनी हूँ और आप सबने उसमें पानी भी डाला है। तो वैसे ही ग्रो हुई हूँ और इसलिए मैंने डिसीजन, हम लोगों ने, राहुल जी हमने डिसीजन लिया है कि ये फिल्म से हमारी शुरुआत हो और आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आगे आगे देखिए होता है क्या, आप सब बहुत प्राउड करेंगे और हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। और अपने बैनर में और कौन से कौन से फिल्म, कुछ आइडिया तो दीजिए। जी बिल्कुल, ये मराठी फिल्म है, बंगाली फिल्म है, जो प्रतीक बब्बर, पावली दाम एंड इंद्रनील, हमारी बंगाली फिल्म, हाँ बहुत ही बढ़िया फिल्म बन रही है। वो मैं बताऊंगी, मैं कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा सब्जेक्ट है उसका, ताकि नॉर्मली। और एक हिंदी फिल्म बन रही है, एक पंजाबी फिल्म बन रही है, और ये बहुत खुशी होगी आपको सुनकर कि हमारी बैनर में एक बॉलीवुड फिल्म भी बन रही है। यस यस, दिस इज अ गुड न्यूज़। राहुल जी ने बिल्कुल, मैंने कहा मैं सबसे आखिर में आऊंगी, पहले सब लोग आ जाने दो, तो मैंने कहा मैं सबसे आखिर में आऊंगी। शांतनु जी हमारे आई तो आराम से सबसे आखिर, जी जी जी, सबसे आखिर में मैं आना चाहती थी, बिकॉज मैं थोड़ा, आप जानते हैं, थोड़े चुनाव में हर जगह बिजी थी, तो मैं बिल्कुल माइंड डाइवर्ट कहीं और नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने कहा सबसे आखिर में मैं आऊंगी। थैंक यू। क्यों, आपको थोड़ा कोई बुरा तो नहीं लग रहा ना, आखिर में आई हूँ तो? सलमान खान ने एक फिल्म किलर पार्टी जो थी, वो फिल्म बाद में जुड़े हैं एक्चुअली एज अ प्रोड्यूसर, हम पहले से जुड़े हैं, बहुत अच्छी स्टोरी लगी और सब कुछ, बहुत दिलीप जी का नाम सुनकर ही मैं तो इतनी मतलब खुश हो गई कि ओ माय गॉड, ही इज द बेस्ट एक्टर, सुहिता जी, और ये इनके साथ काम करने में यू नो लाइक बहुत प्राउड फील होता है, वाओ बहुत अच्छा लगता है। दिलीप जी, यू से समथिंग अबाउट योर पर्टिकुलर रोल, आप इस रोल को दिए हो इन फैक्ट, तो समथिंग अबाउट, या आई ट्राई, व्हाट चेंज यू एज अ पर्सन आल्सो आफ्टर दिस?
No, it has not changed, but it, the outlook has changed. I can say proudly that I have seen a film in a stunt. So, ये टाइटल जैसी पोज है, but without Kate Winslet, अकेला हूँ मैं. तो वो एक पोज है वहाँ, तो इट वाज वेरी डेंजरस. एक खाई थी वो, वेरी वैली थी एक तरफ, एंड इट वाज वेरी बिग रॉक. सो ही वांटेड टू क्लाइम ऑन द रॉक एंड ही वांटेड दैट शॉट. सो वो भी मैंने किया. एक एक शॉट में बॉइलिंग ऑयल है कढ़ाई में और उसके अंदर में हार्ट डालता हूँ, ऐसे भी एक सीन है. तो थोड़े स्टंट्स मैंने किए इसमें. तो जरा क्रैंकी फेलो है मैं, सब जो मेरा कैरेक्टर है वो जरा किरदार तो क्रैंकी, इज अ क्रैंकी मैन. सो इज एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न ही इज एन एबनॉर्मल मैन. और वो ये यूनस जो है वो हिजड़े हिजड़े जो है वो भी एबनॉर्मल है. तो ये एबनॉर्मल जब मिलते हैं तो क्या होता है, तो ये स्पार्क्स होते हैं. तो ऐसे ही है Voice, etc., and the behavior pattern and the mannerisms, they came afterwards. So it was quite funny. I mean, like, usually what happens is when these hijras come to a new week, little repulsive, nipa and magic mat anaga, duri rao. Yaha, koi scenes mein, they are afraid of me, they run away. When I approach them, you know, so that's the funny part. There are few scenes in it, they run away. So ऐसे है, ultimately I try to teach them, try to show them the way how to live in this world. जी आपका फोकस किस पे ज्यादा रहेगा? आइटम्स पे डेफिनेटली. मैं बॉलीवुड से बिलोंग्स करती हूँ तो बॉलीवुड पे तो डेफिनेटली मैं. नहीं डेफिनेटली होगा, वो तो अपनी जगह पे. ये शुरुआत तो यही तो है ना कि क्योंकि मैं बॉलीवुड से हूँ तो मुझे एक सोशल वर्क करना है. तो लोगों तक पहुँचाया है ये, एक बिल्कुल एक मैसेज है ये लोगों के लिए. तो शुरुआत तो यही से करी है क्योंकि जब तक आप फिल्म देखेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा तो ये फिल्म क्या है, क्या मैसेज. आप एक बार जरूर देखिए. मैं तो मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशल हम लोग स्क्रीनिंग करवाते हैं आप करें तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट आप खुद अपनी आंखों से देखिए. आप मुझे पूरा यकीन है मीडिया पर्सन खुद कहेंगे कि आपने ऐसे फिल्म नहीं देखी, इतना मैं आपको कहेंगी. देखिए मैं डेफिनेटली पॉलिटिक्स में हूँ और लोगों के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ, उनकी मैं सेवा करना चाहती हूँ. लेकिन मेरी जो टीम है, राहुल जी जो मेन प्रोड्यूसर है और मैं उनसे जुड़ी हूँ, और राहुल जी पूरा सब कुछ हैंडल करते हैं. कॉल साहब हैं, राहुल जी हैं और हमारे पूरा टीम है. तो मुझे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होती है. जब फिल्म पूरी बन जाती है मैं कभी कभी सेट पे जाती हूँ. ये तो मेरी दूसरी फिल्में बन रही तो मैं कभी सेट पे भी नहीं गई हूँ. सिर्फ थोड़ा सा स्टोरी क्या है सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ राहुल जी हैंडल करते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है. मैंने कहा ना
ये उसमें सुहिता जी का जो रोल है वो रोल इस डेफिनेटली मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं दिलीप जी की मैत्रेय जो कैसे बन पाती आप बताइए. तो इतना अच्छा इनका रोल है कि ऐसी ऐसी मित्र सबको मिले. और हमारे जो दूसरे यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे हैं इनका जो कैरेक्टर वो भी मैं नहीं कर पाती. कुछ था ही नहीं मेरे लिए करने के क्योंकि इतना अलग ये स्टोरी है ना और इसमें मुझे इंटरफेयर डेफिनेटली नहीं करना और मैं जानबूझ के किसी भी फिल्म में नहीं घुसती. जो कुछ भी कर रहे हैं दिलीप जी कर रहे हैं, आइटम भी कर रहे हैं, सबको लाइन पे धड़ा भी सिखा रहे हैं, सबको काम कैसे करना है वो भी सिखा रहे हैं. सब कुछ दिलीप जी के कंधे पर है. बहुत ही सुनीता जी, दिलीप जी, ये जो दूसरे हमारे चार पांच संजय जी, भूषण, धवल, आकाश जी, ये सबने जो कैरेक्टर इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है. मेरा काम है और राहुल जी का काम है सिर्फ मनी लगाना. आप इनकी एक्टिंग देखी हो जो लोगों ने अभी ईश्वर की एक्टिंग की है. सो मेनी पीपल हू सॉ द फिल्म दे थॉट दैट एक्चुअली शंकर हू टॉट दिस हिजड़ास टू एक्ट. ऐसा नहीं है, दे आर एक्टर्स. भूषण कोलकर इज फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. ही इज अ graduate from Delhi's National School of Drama, Bhushan. And the way they have portrayed this Hijra, this Trutiya Pandi, what do you call it? Unique, you know. So it's amazing. You must see them, the Mousy and this. Four characters are there. Mousy, not dumb. So this Bhushan Gopurvam is from National School of Drama here. Graduate in acting. So the way they have portrayed the characters, my work in this film was very easy to react. They look so much like Hijras, so I forgot their usual appearance. Amazing, you must see their performance. So, उससे कुछ कमेंट करने कुछ आपको कुछ परमिशन लेनी पड़ी? Actually, when I was researching, when I was studying this topic, I met them a number of times. They were very helpful. They helped me a lot. Later on. When I approached censor board for the approval, they had objections on some words or some portions of the some portions from the film. We applied for the censor, and a golden mean came. If I get the MOC from that particular community, then there will be no objection. And later on, they watched the film and they liked it very much. They said, for the first time, they are treated as a human being. Otherwise, they always treat us like either villainish way or use us for comic relief. But we all are human beings. We are human beings. So, they all are part of the film. कहना चाहूंगी सेंसर में डेफिनेटली कुछ एक वर्ड के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम आई. हालांकि वो नहीं आना चाहिए था. इतनी सारी फिल्मों में सॉरी टू से एमसीबीसी के डायलॉग्स आते हैं, सो सैड, वो सेंसर में पास हो जाता है. बट इतनी अच्छी फिल्मों में एक आधा डायलॉग आता है तो सेंसर के क्या हो जाता है, आई डोंट नो, उसको वेरी सैड. राखी जी, यू स्टार्टेड ऑफ योर करियर विद टाइटल नंबर्स एंड यू अटेंड अ लॉट ऑफ सक्सेस विद देम. क्या हम आपको कभी वो अवतार में वापस देखेंगे? I don't think so. Definitely not. I'm an actor and I will do film as an actor. सेंसर मतभेद करती है, मतलब प्रोडक्शन आप ऐसा नहीं, हमें लड़ना आता है सेंसर बोर्ड से, डेफिनेटली यस. और हमारे डायरेक्टर साहब डेफिनेटली लड़के उन्होंने लड़े हैं और हमने सर्टिफिकेट, हमने जयजयकार किया है सेंसर बोर्ड पे. सेंसर बोर्ड पे हमने जयजयकार किया है. राखी जी, क्या इसका सक्सेस विल कंट्रीब्यूट विद द कम्युनिटी? डेफिनेटली यस. राखी, एज अ प्रोड्यूसर आप कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल? इफेक्ट जिम्मेदारी का काम होता है, अपनी फिल्म बन चुकी है, आगे फिल्म के लिए जो जिम्मेदारी बोल का काम किस तरह से निभा पाओगे? हाउ द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज अ प्रोड्यूसर. और डेफिनेटली प्रोड्यूसर जब बन जाते हैं तो बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं. हर एक हमें पता चलता है कि जब क्योंकि मैं एज आर्टिस्ट रही हूँ तो प्रोड्यूसर को कितना टेंशन होता है. बट इस फिल्म में हमें बिल्कुल भी, मैंने कोई टेंशन नहीं लिया. राहुल जी ने लिया होगा तो पता नहीं,
बट मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है, ये सब लोग दे आर प्रोफेशनल, यू नो, थोड़ा किसी भी चीज की कोई 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 टेंशन नहीं, हर आर्टिस्ट काम करना चाहता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम है. थैंक यू सो मच. चल गजा.